राम राम किसान भाइयों, नमस्कार सारे किसान भाइयों ने। किसान पाठशाला चैनल के अंतर्गत किसान भाइयों, बीटी कपास की बात करांगा। बीटी कपास की बात करा तो मैं 35 प्रकार का कीड़ा आवे, और आज के वीडियो के अंतर्गत आप बात करांगा बीटी कपास में रस चूसने वाला किसा किसा कीट हो यार बना अपन नियंत्रण किए पास का। रस चूसने वाला कीटा की बात करा तो किसान भाइयों, बीटी कपास के अंदर हरे तेलो है वो भी नुकसान करे। हरे तेले की बात करा तो आपा खेत के अंदर मॉनिटरिंग करनी है 15-20 पौधा, और औसत निकालांगा भी ऊपरों पत्ता देखना है, नीचू भी पत्ता देखना है, और औसत यदि अपन ने 15 पौधा की सर्वा करे बाद में 2 कीट जो मिले प्रति पत्ते के हिसाब, तो अपन नियंत्रण का उपाय है जो करना चाहिए। हरे तेले को जब खेत के अंदर टेक हुआ तो किसान भाइयों, पत्ती है जी की नीचे की ओर मुड़नी स्टार्ट हो जाए, और किनारा है भी लाल रंगा हो जाए, वो भी ये कीट है जो बहुत नुकसान करे। अगर किसान टाइम हुई निगाह ना रखे ये कीट की, तो खेत के अंदर काफ़ी नुकसान हो सके। पत्तियों को यदि ज़्यादा रस चूस ले तो किसान भाई फिर दवाई छिड़के, दवाई कम काम करे। ये वास्ते किसान भाइयों, जब भी थे रस चूसने वाला कीटा को टेक थारा खेत में ज़्यादा हो गया, तो एक बार पोषक तत्व की जरूर स्प्रे करो। 13045 की कर्स को, माइक्रोन्यूट्रन की कर्स को, बोरोन है, चिलिट्रेट जिंक है, मैग्नीशियम है, क्योंकि पत्तियों रस चूस ले तो मैग्नीशियम की मात्रा भी कम हो जाए, तो दवाई है जो कि काम कम करेगी। यूँ बाद में थे इन रस चूसने वाले कीटा ने नियंत्रण करने वास्ते थायोमेक्ताजाम दवाई ले सको 40 ग्राम, थायोमेक्ताजाम दवाई ले सको 50 ग्राम, 100 लीटर पानी मिला के छिड़कोगा तो नियंत्रित हो जाएगी। इन सगे फ्लोनिकामाइड दवाई ले सको थे हरे तेल नियंत्रण करने वास्ते 50 ग्राम, 100 लीटर पानी मिला के प्रति बीघा के हिसाब। यदि क्रॉप कैनोपी फसल ज़्यादा बड़ी है तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सको थे 125 लीटर पानी प्रति बीघा, और 60 ग्राम है जो फ्लोनिकामाइड ले सको। इंगे सागे किसान भाइयों, हरे तेले की सागे अगर व्हाइट फ्लाई की बात करा तो खेत के अंदर जब थे मॉनिटरिंग करोगा व्हाइट फ्लाई की, तो व्हाइट फ्लाई की आप बात करा 15-20 पौधा के अंदर देखोगा, बीच के अंदर ऊपर के नीचे और लास्ट के ऊपर थे देखने लग रहे हो, और ऊपर के पत्ता के ऊपर यदि किसान भाइयों व्हाइट फ्लाई है जिकी थाने 12-14 मिलन लाग रही है, तो अपन नियंत्रण का उपाय है जगह सुझाना चाहिए। नीचे के पत्ता पर है जिकी सफेद टिमकी हुआ है जगह अपन निम्फ बोलना, निम्फ यदि खेत के अंदर मिलन लाग रहे है 18-20 तय, तो अपन नियंत्रण का उपाय करना चाहिए। व्हाइट फ्लाई ने नियंत्रण करने वास्ते थे फ्लोनिकामाइड दवाई ले सको 50 ग्राम दवाई है जिकी 100 लीटर पानी में मिला के और स्प्रे करनी है। क्रॉप कैनोपी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, हाइट जिकी 5-6 फीट तय पहुँच गई है, तो पानी की मात्रा बढ़ा सको 125 लीटर पानी और 60 ग्राम है जो फ्लोनिकामाइड थे ले उसको। दूसरी दवा की बात करा व्हाइट फ्लाई के लिए, पायरीप्रोक्सीफेन दवा ले सको थे 2 ml प्रति लीटर पानी के अंदर घोल बना के, यानी 100 लीटर पानी है तो 200 ml दवा है तो इस्तेमाल करनी है, तो आ निम्फ ने कंट्रोल करेगी। बच्चा है जका ज़्यादा नुकसान करे, आपकी शरीर में एक हनीडू सिक्रेट छोड़ता रहे मधुबिंद, तो पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस बंद कर दे, पत्तों काड़ो हो जाए, और पत्तों ही फसल के अंदर मुख्य चीज़ हो है जिकी टिंडा ने खुराक देनी है वो पत्तों ही देवे। इन वास्ते कोई भी फसल हो चाहे नरमो हो या कोई अन्य फसल है, पत्तों सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। इन वास्ते खेत की थे मॉनिटरिंग करनी है। तीसरों कीट है रस चूसने वाले कीटा के अंदर थ्रिप्स है, ऐ थाना प्रति पत्ती है, जब मॉनिटरिंग करो थे ऊपरों ले गए और बीच में और नीचे तई 8-10 यदि थाना मिलने लग रहे थ्रिप्स है, तो नियंत्रण का उपाय थाना कर सको थे। इमामेक्टिन बेंजोएट है बिंगो प्रयोग कर सको, स्पाई नेटूरोम दवा है 180 ml है जो थे 2 बीघा तय इस्तेमाल कर सको, 100-200 लीटर पानी के अंदर मिला गए, तो ये कीट ने अपना नियंत्रण कर सका। अब जो कि वर्तमान स्थिति है फसल की, तेल आनी जब स्टार्ट हो जाए तो थ्रिप्स खेत के अंदर अटैक है ज़्यादा कौन, थ्रिप्स को अटैक है जो खेत के अंदर ज़्यादा कौन ही हो। एक काश्तकार मर सक जुड़ेड़ा है जिकी थे फसल देखने लग रहे, बहुत अच्छी फसल है, बाहू बातचीत करांगा भी यह पत्ता जगह इतना बढ़िया दिखन लग रहा है, या तो वह कोई बढ़िया मोलिकूल इस्तेमाल करने लग रहे है या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छो करने लग रहे है। एक प्रगतिशील काश्तकार मर सक जुड़न लग रहे है, राम राम जी। राम राम जी, शुभ नाम बताओ थारो। नाम भोजराज स्वामी, गाँव चक 19SSW, ग्राम पंचायत राम शरण नारायण, मोबाइल नंबर है 96 108 17 680। नरमे कंडीशन देखने लग रहे हैं भोजराजी, कोई ज्यादा नरमो बंदे को नहीं कही तो क्या, हमारे 7-8 फीट हाइट होगी, और देखो नरमो है थारो लगभग 5-5 फुट के आसपास हाइट है। इंद्र जी रोक दियो, मेरी माँ एक चमत्कार की स्प्रे करी। अच्छा, बीस हाइट है, आगे बदनी बंद होगी जी आया है, जगह सिम पोटी है ज्यादा निकले है, लड़ियाँ जी की टिंडा है ज्यादा निकल गई, आज की दूरी है कम होगी, ऊपर की दूरी है पहली 4 अंगली नीचे, अब 2 अंगल पर आ गई।
नरमे के बारे में ये बताओ थे बोजरा जी, जो आप नरमो देखने लाग रहे पत्ता बिल्कुल आप देखा नहीं देसी घी तरिया चीकना चौपड़े डपड़े तो किसी किसी स्प्रे करिए बताओ। स्प्रे करिए जी मां दो स्प्रे तो डेलीगेटर पनामा की करिए दो स्प्रे कर दी परफेनोफासर डाइनोटेक्टोरान एक स्प्रे कर दी पायरी प्रोक्सी में। तो कीट है जो नियंत्रित है व्हाइट फ्लाई भी खेत में कौन दिखने लाग रही हरे तेलो भी कोनी अगर खेत के अंदर कीटा वोटे ज्यादा हो नहीं भोजराज जी तो पौधो क्या स्ट्रेस में आ जाए तो फूल वाले पास कौन चलेगा उत्पादन भी यूं प्रभावित होवे। तो किसानों ने के संदेश देना चाहो रस चूसन वाला कीट है अन्य टाइम नियंत्रित करना चाहिए के बिल्कुल टाइम करना चाहिए जी कई खेत तो मैं ये मॉनिटरिंग करा आप खेत में हवा पानी लगा भी पत्ता पर एक दो कीड़ा है जी आप सफेद मक्खी है 7-8 है तो भी टाइम ही हमको कोई उपचार करना चाहिए। कई किसान तो जद भाजे जद एन खोपरा तरिया पत्ता इकट्ठा हो जाए खोपरा बन जाए जद भाजे फिर भी मैं कई बीमारियां आ जाए अरे तेलो अटैक ज्यादा करे तो आपकी ऑटोमेटिक लीफ कर्ल भी चलन लग जाए सके क्योंकि ये कीट है नी जो वायरस ने फैलाने को भी काम करे। अगर आप खेत में नियंत्रित रखांगा तो अपनी फसल है जो की अच्छी रहेगी। और दूरी की बात करा तो कितनी दूरी रखी है नरमे के अंदर 6.5 फुट की दूरी है बीच में 2 फुट है 2 फुट के बीच में 6.5 फुट की दूरी है। व्हाइट फ्लाइन रोकण वास्ते और थ्रिप्स ना रोकण वास्ते थे पीला मटका भी लगा रखे है बढ़िया काम करेंगे हां करे हम पर बिया चेतावनी आ जे माने भी अब ज्यादा आ गया जीटी ज्यादा भी ऊपर आगे चिपकेगी तो यहां देख ले भी अब नरमे में अपने व्हाइट फ्लाई आ गई या थ्रिप्स आ गयो। फेरोमोन ट्रैप तो थे पिछली बार भी लगाया लेकिन अब की बार थे बहुत अच्छा फेरोमोन ट्रैप लगा रखे यूं फायदा मिलेगा नियंत्रित करे। और संगे संग खेत में फिर लाग रहे कृषि प्रयोग सके थारा गांव में चरणजीत सिंह जी मिलता रहे अच्छा मिलता रहे और खेत संभाले भी है नरमो के खिड़नो स्टार्ट हो गयो कोई भी हरेक एक्टिविटी अब किसान ने अंदर दिल में चाह होगी कि फोटो खींच के ग्राम सेवक जी ने भेजा ताकि विभाग में अन्य किसानों में पहुंचे तो एक जागरूकता होगा। सही बात है चरणजीत सिंह जी आज को जो जमानो मास मीडिया को है पहला एक आप फोन करता लेकिन आज हजारों किसानों सके जो को व्हाट्सएप के माध्यम फेसबुक के माध्यम यूट्यूब के माध्यम संदेश पहुंचता रहे और वैज्ञानिक जगह आपा ने बतावे भाई आप देखता रहे यहाँ ये बड़ो फायदो मिले चार को जमाना है जी आपने हर जगह जानकारी मिले हर क्षेत्र में अपने पूसा इंस्टीट्यूट है बैठेगा वैज्ञानिक कहते बंगा आप वीडियो देख के वह भी आपने बतावा है हिसार यूनिवर्सिटी का है वह भी बतावा है इन्हें करनाल यूनिवर्सिटी का है वह भी बतावा है अपने हर एक जगह से मतलब आपने जानकारी मिले वीडियो देख लिया मांगो मांग नंबर हुआ है से बात कर लिया मांग संपर्क कर लिया कोई समस्या हुआ तो बढ़ते ही आप जा सकता सीधा पहली कटाई को नहीं सीधा आपने पानिया के जाता स्प्रे वाले कहते मेरे तो आ बीमारी आ गई मैंने आ दवाई दे दे गए आज आप मीडिया के थ्रू हर जगह से मिल सका। किसान भाई आप एक फसल देखने लाग रहे बिट्टी कपास की और रस चूसे कीटा की बारे में बात करा एक प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े जुड़ेड़ा भोजराज जी स्वामी है अच्छी खेती करे धन्यवाद जी थारो। हाँ जी इमा एक नीमास्त्र बना रखे है मैं अच्छा वो हर एक स्प्रे का माँ एक बाल्टी या दो बाल्टी ड्रम के माँ आगे मिलाऊ मैं बिंगो भी मैंने बहुत बेनिफिट मिले। किसान भाइयों आ देखो फसल की कंडीशन है नीमास्त्र में ही थाने बता के आगे बहुत है प्रयोग कर लियो कितो प्रयोग करे हो नीमास्त्र नीमास्त्र जी मैं 2 ड्रम बनायो भी मत एक ड्रम के मां 15-16 लीटर की बाल्टी है भाई एक डेढ़ बाल्टी का लो के चीजा मिलाई कंपोजिशन के ही बिंग मां गोबर हो 2 किलो तो हां जी 10 एक लीटर पेशाब होगा हां और नीम का पत्ता 10 किलो नीम का पत्ता 200 लीटर ने पूरा भर लियो चौथे पांचवा दिन थे यूज करना शुरू कर दियो बाद में पोकल के तैयार हो गयो बाद में भी छान लियो दूसरे ड्रम में छान के वो बाल्टी डेढ़ बाल्टी बिंग मां असल में कोई चमक विशेष विकर दिखाई देगी क्या थाने नहीं बहुत तो छिड़के बाद में थे बतायो क्या रंगत तो दिखन लग रही है तो धन्यवाद भोजराज जी एक प्रगतिशील काश्तकार जुड़ेड़ा किसान भाइयों इन तरीकों माने कोई और नई जानकारी मिले और किसान कमेंट के माध्यम अगर थारकने कोई अच्छी जानकारी है और वीडियो थाने किए लग गयो तो बता सको
ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों से शेयर करो ताकि तकनीकी है मास मीडिया के द्वारा दूसरा किसानों तक पहुंच सके। धन्यवाद जी।